हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या? बोलो, सब क्लियर है क्या? आवाज़ वगैरह आ रही है क्या? बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। चलो ज्वाइन हो जाओ सब लोग। अपन लाइव आ चुके हैं सुबह 8 बजे, 8:05 पे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज़ वगैरह सब क्लियर है क्या? चेक करो, बोलो मेरे को पहले। आ जाओ चलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सब लोगों को बोलो फटाफट फटाफट, अपन लोग लाइव आ चुके हैं। ज्वाइन हो जाओ सब लोग फटाफट फटाफट। तुम लोग यार आधे से ज़्यादा लोग तो ना बीच बीच में बात बात में ज्वाइन हो जाते हैं जब लेक्चर खत्म होने को आता। मेरा सर लेक्चर प्राइवेट होगा क्या? टेंशन मत लो, लेक्चर वगैरह कुछ प्राइवेट नहीं होगा। मेरे को बोलो पहले आवाज़ वगैरह आ रही है क्या? राइट, क्लियर है सब कुछ? ठीक है, जो भी यहाँ पे आ गए पहले लाइक करो यार फटाफट फटा। अरे यार मैं ठीक हूँ, पवित्र आ गया है। हाँ ठीक है, मजे में हूँ, मस्त बढ़िया। राइट चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बोलो मेरे को तुम लोग पढ़ रहे हो क्या सब लोग? कल का जितना भी अपने चैप्टर हुए उतने सारे सब लोगों ने पढ़ लिए क्या? ऑडियोबल ऑडिबल ठीक है। रिवाइज वगैरह किया सब लोगों ने घर पे जाके? हाँ, सम्स वगैरह देखे? ठीक है चलो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर। जिसका नाम क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स। ये जो नोट्स है ये भी मैं लेक्चर जैसे खत्म होता है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना? तो चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बराबर। चलो आ जाओ, अभी आज अपन स्टार्ट करने वाले चैप्टर जिसका नाम क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसके अंदर कंपनी कर क्या रही है? शेयर इशू करती है कंपनी। मेरे को एक बात बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है या फिर टेम्पररी कैपिटल होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है, टेम्पररी कैपिटल होता है? परमानेंट कैपिटल होता है, बराबर ना। एक बार कंपनी शेयर इशू करती है तो वो शेयर कंपनी के मार्केट के अंदर चलते रहते हैं। कंपनी क्या उसको वापस लेती है क्या? नहीं। कंपनी क्या उसको वापस लेती है क्या? नहीं लेती। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन ऐसे रहते हैं जिसके अंदर वो कैपिटल क्या हो जाता है? खत्म। सर सबसे पहले जब कंपनी बंद हो जाए कैपिटल खत्म, अरे हाँ कि नहीं, रिपेमेंट करनी पड़ेगी। और सेकेंड केस होती है इक्विटी शेयर्स के अंदर ये बायबैक ऑफ शेयर्स। सेकेंड केस क्या होती है? बायबैक ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है? राइट सर सब आ गए जो आप, ठीक है। परमानेंट कैपिटल, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कंपनी शेयर्स क्या हो रहे हैं, इक्विटी शेयर्स खत्म कब हो रहे हैं? जब कंपनी बायबैक कर रही है। जब कंपनी क्या कर रही है? बायबैक कर रही है। मतलब सर कंपनी शेयर होल्डर के पास जाती है। कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर के पास जाती है और उनके शेयर खुद परचेस करती है। उनके शेयर कंपनी क्या करती है? खुद परचेस करती है। तो सर इसको बायबैक बोलेंगे क्या? नहीं। इसको बायबैक कब बोलेंगे? जब वो शेयर कंपनी खुद परचेस करते कैंसिल करती है। खुद परचेस करके अपने पास रख रही है क्या? खुद परचेस करके अपने पास रख रही है क्या कंपनी? नहीं। उस शेयर्स को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। उस शेयर्स को क्या कर रही है कंपनी? कैंसिल कर रहे। तो उसी को बोला जाएगा बायबैक ऑफ शेयर। उसी को क्या बोला जाएगा? बायबैक ऑफ शेयर। सर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले? इस चैप्टर के अंदर दो चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज और दूसरी चीज कि और कितनी कंपनी मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। कंपनी कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है, ये वाली चीजें क्या है इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझा? ओके। इस चैप्टर के ऊपर तुम लोग देखने के लिए जाओगे तो थ्योरी क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। थ्योरी क्वेश्चन बनने के क्या है? ज्यादा चांसेस है कि वो कंपनीज एक्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपने को बायबैक के बारे में बताता है, ठीक है? चलो इसके बारे में तुम्हारे सेक्शन कौन सा सबसे पहले कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 68 डील्स विद द बायबैक ऑफ शेयर्स। सेक्शन 68 डील्स विद द बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक मतलब क्या बोला इन्होंने? बायबैक मींस परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय कंपनी एंड कैंसिलेशन ऑफ द सेम। इंपॉर्टेंट क्या है? शेयर कंपनी परचेस करके क्या खुद के पास रख रही है क्या? नहीं। खुद के पास रख रही है क्या? नहीं। इन्वेस्ट वगैरह कर रही है क्या? नहीं। उसको क्या कर रही है? डायरेक्टली कैंसिल कर रही है। कंपनी उसको क्या कर रही है? डायरेक्टली कैंसिल कर रही है, ठीक है? शेयर्स बाय बैक रिजल्ट इन डिक्रीज इन द शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो भी शेयर कैपिटल टोटल बना हुआ है उसका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक इट शेयर एंड होल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, जो अपन ने बात करी, कंपनी क्या शेयर बाय बैक करके खुद के पास रख सकती है क्या? नहीं। खुद के पास रख सकती है क्या? नहीं। अभी फिर सर बाय बैक के एडवांटेजेस क्या है, बाय बैक के एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे पॉइंट बोला इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर्स, इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर्स। एफएम में पढ़े हो तुम लोग ईपीएस, अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, एक शेयर के बदले में कितना पैसा कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, या तो कितना एक शेयर के बदले में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मार्केट के अंदर शेयर कैपिटल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ जाएगा कंपनी का। मार्केट के अंदर अगर शेयर ही कम है, कंपनी का शेयर कैपिटल ही टोटल कम हो रहा है, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, अरे हाँ कि नहीं? तो बायबैक की वजह से अर्निंग पर शेयर क्या हो जाती है, कम, सॉरी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इंक्रीज प्रोमोटर्स होल्डिंग, इंक्रीज प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो भी कंपनी के ओनर है, जो भी प्रोमोटर है, ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर से शेयर कैपिटल कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली उनकी शेयर कैपिटल में से होल्डिंग बढ़ जाएगी, राइट ना? उनकी होल्डिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए भी कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है, इसलिए भी कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है। अरे समझा क्या? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोला, डिस्करेज अदर टू मेक हॉस्टाइल बीड, डिस्करेज अदर टू मेक हॉस्टाइल बीड। सर मतलब अगर मेरे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा शेयर घूम रहे होगे, अगर मेरे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा शेयर घूम रहे होगे तो ऐसा चांस है कि वो मेरे जो भी कॉम्पिटिटर है वो शेयर परचेस कर सकते हैं, अरे हाँ कि नहीं? ऐसे चांसेस है कि वो मेरे क्या कर सकते, कॉम्पिटिटर शेयर परचेस कर सकते, और इसके वजह से कुछ ना कुछ हद तक वो क्या कर सकते, मेरी कंपनी को कंट्रोल कर सकते, क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते। तो अगर मार्केट के अंदर शेयर ही मेरे कम अवेलेबल है तो इसके वजह से क्या वो कोई भी हॉस्टाइल बीड या तो कोई भी गलत काम कर सकता है क्या कंपनी के अगेंस्ट? नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो यही कुछ रीजन है जिसके वजह से कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है, कंपनी क्या करती है, बायबैक। नेक्स्ट क्या बोला, सपोर्ट द शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, सपोर्ट द शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑटोमेटिकली शेयर कम होने की वजह से शेयर की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? मार्केट के अंदर शेयर कम होने की वजह से शेयर की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, शेयर की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। तो शेयर प्राइस को सपोर्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बायबैक। नेक्स्ट क्या बोला, पे सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स, पे सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स। तो अभी अगर जो भी डिविडेंड आ रहा है वो कम शेयर होल्डर में बट रहा है, अभी जो भी डिविडेंड आ रहा है वो क्या हो रहा है, कम शेयर्स के ऊपर बट रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा क्या हर एक शेयर होल्डर को? अरे हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये क्या थे तुम्हारे एडवांटेजेस ऑफ बायबैक, ये क्या थे तुम्हारे एडवांटेजेस ऑफ बायबैक, बराबर। प्रमोटर होल्डिंग वाला पॉइंट रिपीट कर दो सर एक बार। ओके, प्रमोटर होल्डिंग वाला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंक्रीजेस प्रमोटर्स होल्डिंग। अभी अगर मान के चलो जनरल पब्लिक के पास शेयर कम है, जनरल पब्लिक के पास शेयर जो भी थे अपन ने वो कम कर लिए, तो ऑटोमेटिकली जो भी अल्टीमेट ओनर है, जो भी कंपनी के प्रमोटर है, उनके पास जो भी होल्डिंग है, उनके पास जो भी परसेंटेज के अंदर शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी, राइट वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी को बोला गया इंक्रीजेस प्रमोटर्स होल्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाली चीज़ें अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ें क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रूल्स रिलेटिंग टू द बायबैक, रूल्स रिलेटिंग टू द बायबैक, ठीक है। चलो ये ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, थियरी ये वाला पार्ट, और यहाँ पे जो भी कंडीशंस बोली गई ये तीन अपने को, वो प्रैक्टिकल के लिए भी, यहाँ पे थियोरी के लिए प्लस प्रैक्टिकल के लिए क्या है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट बायबैक के बारे में क्या बात करता है। सेक्शन 68 लो सप्लाई हाई डिमांड सो प्राइस इंक्रीज, हाँ ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी। चलो चलेगा आगे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, रूल्स रिलेटिंग टू द बायबैक, रूल्स रिलेटिंग टू द बायबैक। क्योंकि बायबैक के बारे में कंपनीज एक्ट ने क्या रूल्स प्रोवाइड किए गए, इट परमिट्स बायबैक बाय अ कंपनी ऑफ इट्स शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज आउट ऑफ कंपनी, तीन चीज़ों में से क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है। यहाँ पे जो तीन चीज़ें बोली गई उन्हीं में से कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, फ्री रिजर्व, सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, फ्री रिजर्व। अगर कंपनी को बायबैक करना है तो कंपनी पैसे कहाँ से उठा सकती है, फ्री रिजर्व में से, कहाँ से उठा सकती है, फ्री रिजर्व। सेकेंड बोला इन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेकेंड क्या बोला अपने को, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और थर्ड बोला प्रोसीड्स ऑफ issue of any shares or other securities, proceeds of इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। बराबर है क्या? अगर मेरे को इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो मैं क्या इशू कर सकता हूँ? प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूँ। क्या इशू कर सकता हूँ? प्रेफरेंस शेयर्स। और जितना भी पैसा आएगा उससे मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी इक्विटी शेयर्स का बायबैक है। तो सबसे पहले कंपनी कहाँ से कर सकती है बायबैक? फ्री रिजर्व। कंपनी कहाँ से कर सकती है? फ्री रिजर्व। यहाँ पे आगे भी देखो, फ्री रिजर्व मतलब क्या? रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, बट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अनरियलाइज गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट मतलब सर ये तुम्हारे लोगों किसका बात कर रहा है? रिवैल्यूएशन रिजर्व की। किसकी बात कर रहा है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। बायबैक के लिए क्या मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। बायबैक के लिए मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। ठीक है यहाँ तक? हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व का अरे यार कल ही तो हुआ था अपना। अगर कोई एसेट है, 10 लाख की बिल्डिंग है, वो क्या पे कितने पे चली गई? 50 लाख पे। तो अभी 40 लाख रुपीस अपने इंक्रीज हुए, उसका मेरे को कुछ कैश वगैरह आ रहा है क्या? तो ऑटोमेटिकली वो बस मैंने क्या कर दिया, जो भी 10 लाख की, हाँ बस उसको ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वहाँ पे कुछ एक्चुअल में मेरे को पैसा वगैरह रिसीव हो रहा है क्या? नहीं। तो इसी को बोलेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व। समझा? तो फ्री रिजर्व के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम सेकंड अपन ने बात करी। पहले फ्री रिजर्व से मैं बायबैक कर सकता हूँ, सेकंड बोला अपन ने सिक्योरिटीज प्रीमियम से बायबैक कर सकता हूँ, या तो थर्ड बोला प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स। बराबर है क्या? और ऐसा भी कंपनी कर सकती है कॉम्बिनेशन इनका सबका, कि बाबा कुछ परसेंटेज तक फ्री रिजर्व यूज करेगी, कुछ परसेंटेज का कंपनी क्या करेगी? प्रोसीड ऑफ न्यू इशू करेगी। समझ में आ रहा है? चलो आगे। नेक्स्ट, however no buyback can be made out of earlier issue of same kind of shares or securities। सर मतलब अभी कंपनी क्या करना चाहती है ना? इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है। कंपनी क्या करना चाहती है? इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है। और कंपनी मार्केट में जाके क्या कर रही है? फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स का ही कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? मार्केट के अंदर जाके फ्रेश इशू भी इक्विटी शेयर्स का ही कर रही है और इक्विटी शेयर्स ही बायबैक कर रही है। चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं। क्या फायदा फिर बायबैक का? बायबैक का कुछ भी फायदा है क्या? नहीं। तो कंपनी सेम काइंड के इशू, अर्लियर जो भी इशू कर चुकी है कंपनी, क्या सेम काइंड के इशू शेयर्स कर सकती है क्या? या तो अदर सिक्योरिटी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ इक्विटी शेयर आर टू बी बॉट बैक, कंपनी कैन यूज प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी क्या कर सकती है? इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है तो क्या कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। समझा? क्लियर है? पक्का? पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व। टेंशन मत लो, शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे अपन लोग। चलो आगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ कंडीशन बोली गई अपने को, ये वाली कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले The buyback is authorized by the article of association। सबसे पहले कंडीशन क्या है? buyback क्या होना मांगता? ऑथोराइज होना मांगता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही परमिशन देनी मांगती कि और कंपनी क्या कर सकती है? buyback कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है? buyback कर सकती है। सेकेंड कंडीशन क्या बोली ये इन्होंने? स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास इन द जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथोराइजिंग द बायबैक। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? अपने को क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? पक्का? देखो लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास करना है और कब नहीं पास करना देखते। हाउएवर द अबव प्रोविजन डू नॉट अप्लाई वेयर द बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व and it is authorized by the board resolution passed at the duly meeting। क्या बात कर रहा है सर? यहाँ पे ये बोल रहा है अपने को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है क्या? नहीं। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है क्या? नहीं। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या? वो रिजोल्यूशन जिसके ऊपर कितने परसेंट वोटिंग आनी मांगती? 75% से 75% या तो उससे ज़्यादा। तो उस केस में क्या बोलते हैं अपन? किसी भी रिजोल्यूशन के ऊपर अगर 75% से ज़्यादा की वोटिंग की ज़रूरत होती है तो उस रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन लोग? स्पेशल रिजोल्यूशन। बराबर है क्या? चलो आगे। डू नॉट अप्लाई, हाँ ठीक है। यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन की क्या बात कर रहा है ये? स्पेशल रिजोल्यूशन अपने को पास करने की ज़रूरत नहीं। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। कब? व्हेन buyback is 10% or less of the paid up share capital plus free reserve, it is authorized by the board resolution passed at the meeting। passed at the meeting। अगर अपन ने क्या किया है? बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है और जो भी अपन लोग बायबैक कर रहे हैं, जो भी अपन क्या कर रहे हैं? बायबैक कर रहे हैं वो क्या है 10% या तो उससे कम है, 10% या तो उससे कम है टोटल जो भी तुम्हारे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है, प्लस क्या फ्री रिजर्व है, उसको अगर अपन लोग 10% ले लेंगे, अगर वो उससे कम है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत है क्या, नहीं, और अगर उससे ज्यादा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। Hence, in case of the buyback is up to 10% of the paid up share capital plus free reserve, the same may be done with the authorization of the board resolution without necessary of its being authorized by the article of association of the company and by special resolution member passed at the general meeting of the company। अगर 10% भी है तुम्हारा तो भी तुम लोगों को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अगर 10% से ज्यादा है बायबैक तो तुम लोगों को उस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 टेस्ट दिए गए, यहाँ पे क्या दिए गए 3 टेस्ट दिए गए, ये 3 टेस्ट फॉलो होने मांगते। ये 3 टेस्ट किसके बारे में बात करते, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक। ये 3 टेस्ट किसके बारे में बात करते, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक, और यही अपने को इम्पोर्टेंट है, अपने को यही इम्पोर्टेंट है। अरे यार अपन अकाउंटेंट है, अपन कौन है अकाउंटेंट, अपने को क्या लेना देना है क्या कंपनी रिजोल्यूशन पास करे या नहीं करे, लेना देना है क्या, नहीं। कंपनी को अपने को कुछ लेना देना है क्या वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे या नहीं करे। अपने को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कंपनी कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है, कंपनी कितने शेयर्स का मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। तो यहाँ पे ये तीनों टेस्ट अप्लाई करने, यहाँ पे ये तीनों टेस्ट अप्लाई करने, और इन तीनों टेस्ट में से जितने भी कंपनी का बायबैक हो सकता है, इन तीनों टेस्ट के अनुसार जितना भी कंपनी मैक्सिमम बायबैक कर सकती है उसमें से लोएस्ट लेना है। अपने को क्या करना है, लोएस्ट लेना है। सर लोएस्ट क्यों लेना है, अरे यार अगर हाईएस्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शन तो कट हो जाएगा ना, तो वो कंडीशन फुलफिल होगी क्या, नहीं होगी। तो लोएस्ट लेंगे तो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या बोलता है, द बायबैक मस्ट बी इक्वल और लेस देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। बराबर है क्या, क्या बोल रहा है, द बायबैक मस्ट बी इक्वल और लेस देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। इस टेस्ट का नाम क्या है तुम्हारे, रिसोर्स टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या है तुम्हारे, रिसोर्स टेस्ट। बराबर क्या बात करता है रिसोर्स टेस्ट तुम्हारी, बायबैक मस्ट बी इक्वल टू और less than 25% of paid up share capital plus free reserve of the company FR लिखा है मैंने, free reserve है। और यहाँ पे अपने को इस सेक्शन के अंदर, ओनली इस सेक्शन के अंदर free reserve include securities premium, free reserve include सिक्योरिटीज प्रीमियम। फ्री रिजर्व के अंदर क्या आता है तुम्हारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है। पुनीत सुपरस्टार, चलो रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है कि और 25% होना मांगता, बराबर है क्या। तो इस केस के अंदर मैं बोल सकता हूं क्या, मैक्सिमम बायबैक इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अरे बोलो हाँ कि नहीं, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 25% क्या होना मांगता, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का कितना परसेंट होना मांगता, 25% बायबैक होना मांगता। क्लियर है, डाउट है किसी को यहाँ तक, नहीं। चलो आ जाओ ध्यान दो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट टेस्ट अपनी खत्म हो गई, रिसोर्स टेस्ट। सेकेंड सेकेंड केस टेस्ट क्या बोल रही है तुम्हारी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सेकेंड टेस्ट क्या बोलती है तुम्हारी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इस टेस्ट क्या बोलती है द बायबैक ऑफ शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। टोटल कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल एंड एक सेकेंड, यहां पे फ्री रिजर्व कट कर दो, फ्री रिजर्व क्या कर दो कट कर दो। यहाँ पे बस सेकेंड टेस्ट क्या बोलते हैं तुम्हारे शेयर आउटस्टैंडिंग की टेस्ट द बायबैक ऑफ शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल, ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल। क्यों कंपनी के अंदर बायबैक कितना होना मांगता 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। सर कंपनी एक्ट में तो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल दिया है, सो हम पैसे शेयर कैपिटल ले या पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ले। कंपनी एक्ट में तो टोटल पेड अप कैपिटल इक्विटी कैपिटल लिया है, तो हम पैसे शेयर कैपिटल ले या पेड अप इक्विटी कैपिटल ले। अपने को पेड अप कैपिटल बोला तो पेड अप ही लेना है, अपन देख चुके हैं ना फर्स्ट लेक्चर में ही यश तो पेड अप कैपिटल क्या होता है सारा का सारा। जो भी अपन शेयर बायबैक कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे अपन लोग। अगर इक्विटी शेयर जितने भी अपन बायबैक कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर के बारे में देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर का पेड अप कैपिटल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द बायबैक शेयर इन फाइनेंस मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है। चलो इसको लिख लो, टेस्ट नंबर 2। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल of that financial year, of that financial year। ये कौन सी टेस्ट है तुम्हारी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये कौन सी टेस्ट है तुम्हारी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अरे बोलो डन है क्या, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो इस टेस्ट के अनुसार क्या बोल सकते हैं अपन लोग, मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकती है कंपनी, मैक्सिमम बायबैक मान के चलो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर $10,000 के, कितने के 1 लाख शेयर्स मार्केट के अंदर घूम रहे, कितने शेयर्स घूम रहे 1 लाख शेयर्स घूम रहे, तो मैक्सिमम बायबैक इस कंडीशन के अनुसार कितना हो सकता है 25%, कितना हो सकता है 25%, दैट इज 25,000। बोलो डन है क्या, पक्का राइट। चलो आगे ध्यान दो, और थर्ड वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान दो इसके ऊपर। और मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम ये इसी कंडीशन में आता है, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम इसी कंडीशन के अंदर आता है। द रेशियो ऑफ द डेट ओड बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, यहाँ पे सिक्योर्ड डेट या तो प्लस अनसिक्योर्ड डेट्स आफ्टर सच बायबैक, आफ्टर बायबैक बात किसकी हो रही है, आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स फ्री रिजर्व, एंड इट्स फ्री रिजर्व बराबर है क्या डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने को, यहाँ पे क्या बोल रहा है पॉइंट, यहाँ पे अपने को कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट बोल रहा है जो भी कंपनी डेट ये कर रही है, कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है वो कितना होना मांगता, मैक्सिमम डबल होना मांगता, 2 डबल से ज्यादा होना मांगता क्या नहीं, डबल से ज्यादा होना मांगता क्या नहीं। मतलब अगर तुम्हारा 10 रुपीज क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व वगैरह है, और फ्री रिजर्व इस सेक्शन के अंदर अपन ने बात करी, फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर मैं बोल के चलो तुम लोगों को कि 10 रुपीज अपना क्या है, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो तुम्हारा डेट कितना होना मांगता 20, मतलब कर्जा कितना होना मांगता 20। 20 से ज्यादा होगा तो क्या कंपनी बायबैक कर सकती है क्या नहीं, 20 से ज्यादा होगा तो बायबैक कर सकती है क्या नहीं। लेकिन ये जो भी तुम लोग देख रहे हो डबल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये देखना कब है, आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक। समझ में आ रहा है, क्लियर है पक्का। चलो आगे, ठीक है ध्यान दो, थर्ड कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रेशियो ऑफ debt owed by the company after such buyback is not more than twice the paid up share capital and free reserve includes securities premium। Free reserve includes securities premium। Done है क्या? बेसिकली मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे 2:1 का रेशो होना चाहिए। यहाँ पे रेशो कितना होना चाहिए, 2:1 का, आफ्टर बायबैक, डेट एंड इक्विटी का रेशो कितना होना मांगता 2:1 बराबर है। इसका मतलब अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेट लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म डेट के अंदर मेरे को एक बात बोलो, क्रेडिटर भी आते क्या तुम्हारे, अरे क्रेडिटर आते, हाँ याद रखना, डेट के अंदर तुम्हारे क्रेडिटर भी आते, हाँ क्रेडिटर भी आते। तो सर लोन के अंदर बस सर क्या हम लोग बस लोन ही ले क्या, नहीं क्रेडिटर भी लेना है। डिवाइड बाय टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना होना मांगता मैक्सिमम 2:1, कितना होना मांगता मैक्सिमम 2:1। अरे हाँ कि नहीं, अगर इसको अपन डिवाइड करें, ये अगर फॉर्मूला के अंदर पुट करें इंफॉर्मेशन, और अगर अपना आंसर 2:1 से सॉरी 2 से ज्यादा आ रहा है आंसर अपना, तो क्या अपन मैक्सिमम बायबैक उतना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों ने बोलना है कौन से एग्जांपल के अंदर कंपनी बायबैक कर सकती है और कौन से एग्जांपल के अंदर बायबैक अलाउड नहीं है। इक्विटी शेयर मान के चलो, एक सेकेंड, डेट मान के चलो कंपनी के ऊपर है 10 लाख का, कितने का है 10 लाख का, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व केस 1 के अंदर 60,000 एंड केस 2 के अंदर 40,000। बोलो मेरे को कौन से केस के अंदर बायबैक अलाउड है, कौन से केस के अंदर नहीं है। 2 से कम होता हुआ तो अलाउड है, मैक्सिमम 2% बोला अपने को, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम परसेंट हुआ तो चलेगा। थर्ड वाला एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फर्स्ट केस में अलाउड है और सेकंड केस में अलाउड नहीं है, बराबर। सेकंड केस में अलाउड है क्या, नहीं अलाउड है। सर कैसे, देखो अगर अपन लोग केस 1 के हिसाब से जाए तो अपना डेट इक्विटी रेशियो कितना बन के आ रहा है 1 डेट, और मैं यहाँ पे बस इक्विटी लिख देता। यहाँ पे डेट कितना है अपना 10 लाख डिवाइड बाय इक्विटी कितनी थी 60,000। तो आंसर क्या आ रहा है 1.6666। हाँ 1 सेकेंड हाँ यहाँ पे 10 लाख की जगह 1 लाख कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 1 लाख कर दो। 1 सेकेंड मेरी मिस्टेक, यहाँ पे क्या कर दो। हाँ अभी क्या आ रहा है आंसर 1.6666 आ रहा है क्या राइट। तो 2 से कम है, 2 से कम है अलाउड है, हाँ अलाउड है। हाँ अभी केस 2 के अंदर देखो डेट इक्विटी, अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे डेट कितना है अपना 1 लाख, इक्विटी कितनी थी 40,000। कितना आ रहा है आंसर 2 से ज़्यादा आ रहा है अलाउड है, अलाउड है बराबर है नॉट अलाउड, और इस केस में अलाउड है। अरे समझा क्या सर, आफ्टर बायबैक पोजीशन के बाद के गिवन हो गया हमें डेट और इक्विटी, वो अपने को निकालना पड़ेगा। डेट दिए जाएंगे अपने को, इक्विटी निकालनी पड़ेगी उस केस में। केस 1 अलाउड, केस 2 नॉट अलाउड। क्लियर है। चलो तीनों कंडीशन समझे। पहले कंडीशन बोलो मेरे को रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट के अंदर क्या बोला था अपने को 25% से ज्यादा नहीं होना मांगता, किससे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस पक्का। सेकंड कंडीशन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, उसके अंदर क्या बोला अपने को 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। या तो अपन बात करेंगे क्या शेयर आउटस्टैंडिंग, जितने भी उस जो भी बायबैक कर रहे शेयर्स के वो क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो जितने भी आ रहे उस साल के अंदर उसका क्या लेंगे अपन लोग 25%। कितना लेंगे 25%। और डेट इक्विटी रेशियो, डेट शुड नॉट बी मोर देन डबल ऑफ तो योर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझा क्या तीनों की तीनों कंडीशन। क्लियर है पक्का। चलो आगे राइट। यहाँ पे कंपनीज एक्ट और भी कुछ चीजें ऐसी बात करता है जिसके वजह से अपने अकाउंटिंग के ऊपर क्या आता है इंपैक्ट आता है, देखते हैं कैसे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे ऑल द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप। शेयर क्या होने मांगते पहले फुल्ली पेड अप होने मांगते। पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक हो सकता है क्या नहीं। पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक हो सकता है क्या नहीं। बायबैक के लिए शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट। The buyback of the shares or other specified securities listed on any recognized stock exchange is in accordance with the regulation made by the Securities Board of Exchange in India. अगर कोई तुम्हारी जिस भी किसी पर्टिकुलर शेयर्स का तुम लोग क्या कर रहे हो बायबैक कर रहे हो, तो वो क्या अगर वो लिस्टेड है सेबी पे तो उसको कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। The buyback in respect of shares और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस में बी एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर कंपनीज एक्ट चाहे तो क्या कर सकता है कुछ और भी गाइडलाइंस दे सकता है। क्लियर है। अभी बायबैक करने के 3 तरीके दिए इन्होंने, कितने तरीके 3। बायबैक इन तीनों तरीके से किया जा सकता है। पहले द बायबैक में बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ द ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। बायबैक क्या हो सकता है कि और जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे कंपनी क्या कर सकती है बायबैक कर सकती है एग्जिस्टिंग कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। या तो कंपनी क्या कर सकती है फ्रॉम ओपन मार्केट। कहाँ से कर सकती है फ्रॉम ओपन मार्केट। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी ओपन मार्केट से ही बायबैक करती है। और बाय परचेसिंग द सिक्योरिटीज इशू टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी परस्यूंट ऑफ स्कीम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनी क्या कर सकती है जो भी एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोल के या तो ईसॉप बोल के जो भी स्वेट इक्विटी बोल के जो भी शेयर्स दिए गए उसको क्या कर सकती है बायबैक कर सकती है। समझ में आया। क्लियर है। मेरा एक डाउट है कंपनी बायबैक करते टाइम क्या पार पे कर सकती है या प्रीमियम पे भी कर सकती है। दोनों पे कर सकती है। मैक्सिमम केसेस के अंदर कंपनी बायबैक प्रीमियम पे ही करती है। मैक्सिमम केसेस के अंदर कंपनी बायबैक किस पे करती है प्रीमियम। सर ऐसा क्यों, यार देखो शेयर होल्डर पागल थोड़ी ना है ना, अगर मार्केट के अंदर भी 10 रुपये की प्राइस 10 रुपये की प्राइस चल रही है, मार्केट के अंदर भी 10 रुपये की प्राइस चल रही है, तो शेयर होल्डर थोड़ी ना कंपनी को बेचेगा। वो बोले मैं किसी थर्ड पार्टी को बेचता, कंपनी को वापस बेचने की जरूरत है क्या? नहीं। कंपनी क्या करती है इस केस में मालूम है तुम लोगों को? कंपनी शेयर होल्डर के पास जाएगी, देख भाई, शेयर होल्डर को बोलेगी देख भाई तू क्या कर ले, शेयर कंपनी को वापस दे दे, मैं क्या करती हूँ जो भी मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा दे देती हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया अपना। अभी नेक्स्ट कुछ और कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं अपन लोग। ये वाले कंडीशंस इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ द फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अपन ने 3 तरीके से कंपनी बायबैक कर सकती है, 3 अकाउंट में से पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं बायबैक के लिए। सबसे पहले फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्रेश इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, बराबर है क्या? तो अगर कंपनी क्या कर रही है, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा बायबैक कर रही है, और सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सो परचेज शाल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या बात हो रही है यहाँ पे? अगर कोई कंपनी बायबैक करती है, अगर कोई कंपनी बायबैक करती है, मान के चलो कंपनी ने बायबैक कर लिए 100 शेयर्स, कितने शेयर्स का 100 शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिए, बायबैक कर लिए। कितने शेयर्स? 100 शेयर्स। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस। क्लियर है यहां तक? राइट। कंपनी ने बायबैक कितने पे किया? मान के चलो 20 रुपीस पे। कंपनी ने बायबैक कितने पे किया? 20 रुपीस पे। मतलब कंपनी ने एक शेयर परचेस कितने पे किया? 20 रुपीस पे। मतलब कंपनी ने टोटल पैसा कितना यूटिलाइज करने के लिए लगा होगा, बराबर है क्या? यहां तक क्लियर है सभी को? अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पे कंपनी पैसा यूटिलाइज कहां से कर रही है? फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे फिर से कंडीशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? परचेज ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर परचेज शाल बी ट्रांसफर टू द सीआरआर अकाउंट। जितने के अपन ने शेयर फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम से शेयर यूटिलाइज कर लिए, वहां से पैसा जितना भी यूटिलाइज कर लिया, कौन सी? बस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। कौन सी वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बोला अपने को? सीआरआर अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बोला अपने को? सीआरआर अकाउंट में। तो इस केस में 100 शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज। नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज। और प्रीमियम कितना था? 10 रुपीज। समझा क्या? तो मेरे को नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज और 100 शेयर्स के ऊपर मतलब कितनी? 1000 ट्रांसफर करनी पड़ेगी। कहाँ पे? सीआरआर में। इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह अपन लोग देख लेंगे, ठीक है? चलो आगे। एंड सीआरआर का अकाउंट क्या होता है? यूज कहाँ पे होता है? अरे कल ही पढ़ा ना अपन ने। सीआरआर का यूज कहाँ पे होता है? बस बोनस इशू करने में। Such account shall be disclosed in the balance sheet. ठीक है। The shares or other specified security which are proposed to be brought back must be fully paid up. जो भी अपन ने बात करी, शेयर क्या होने मांगते? Fully paid up होने मांगते। Next, the CRR reserve may be applied for by the company in paying unissued shares of the company to be issued to members of the company as a fully paid up bonus shares. Bonus shares issue करने में भी कंपनी क्या कर सकती है? CRR का यूज कर सकती है। Easy है, पक्का। चलो आगे ध्यान दो। यहाँ पे अभी ये जर्नल एंट्रीज है, यहाँ पे अपन जर्नल एंट्रीज बायबैक के केस में कैसे पास करेंगे। सबसे पहले शेयर होल्डर से शेयर परचेस कर रहे हो, शेयर होल्डर से शेयर परचेस कर रहे हो, सबसे पहले शेयर होल्डर को क्या करो? परचेस कर लो शेयर। तो शेयर परचेस करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या एंट्री पास करो? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सर इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? किसको कर रहा है? शेयर होल्डर को। अरे हाँ कि नहीं? तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ईच रुपीज बायबैक प्राइस पर शेयर, बराबर है? यहाँ पे क्या लेंगे अपन लोग? जितने के भी शेयर्स है उतने शेयर्स इनटू क्या करेंगे अपन लोग? जितनी भी तुम्हारी बायबैक प्राइस है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करके अपन लोग लिख लेंगे, ठीक है? टेंशन मतलब क्वेश्चन देख लेंगे अपन लोग। नेक्स्ट एंट्री क्या करनी पड़ेगी, अभी शेयर परचेस करके अपने पास रखने हैं क्या, शेयर परचेस करने अपने पास रखने हैं क्या, कैंसिल करना पड़ेगा, अरे हाँ कि नहीं क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर अगर शेयर इशू करते थे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे, याद है, अभी यहाँ पे कैंसिल करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्या कर दो, डेबिट कर दो, जितने की भी क्या है फेस वैल्यू उतने से डेबिट कर दो। और जितना भी तुम लोग एक्सेस पे कर रहे हो फेस वैल्यू से ज्यादा, जितना भी शेयर होल्डर को तुम लोगों ने एक्सेस पे किया है फेस वैल्यू से ज्यादा, उतना कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, कहाँ पे ट्रांसफर करना है अपने को, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, ओके, टू इक्विटी शेयर्स बायबैक। तो ये अकाउंट तुम्हारा नलीफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझा। प्रीमियम ऑन बायबैक के ऊपर क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू बायबैक प्राइस लेस फेस वैल्यू, तो हमारा जितना भी प्रीमियम आया उतना क्या करना है, ये करना है, कैंसिल करना है। थर्ड, यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट क्लोज कहाँ पे ट्रांसफर करके करना है, याद रखना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे यूज किया अपन ने, प्रीमियम ऑन बायबैक, वहाँ पे जो भी तुम्हारा प्रीमियम आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है तुम लोगों को, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व को, कहाँ पे ट्रांसफर करना है अपने को, सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो फ्री रिजर्व को। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी अपनी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। देखो प्रीमियम ऑन बायबैक भी कैंसिल हो गया क्या तुम्हारा, ट्रांसफर की एंट्री बेसिकली है तुम्हारी, क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर टू CRR, अपन ने बात करी थी ना, जितनी भी फेस वैल्यू है उतनी क्या करनी पड़ेगी अपने को CRR में ट्रांसफर करेगी। अगर तुम लोग क्या बायबैक के लिए किसका यूज कर रहे हो, फ्री रिजर्व या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, याद है क्या। अगर अपन लोग फ्री इशू से शेयर इशू कर रहे हैं तो CRR में ट्रांसफर करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर मैं नए शेयर इशू करके क्या कर रहा हूँ, बायबैक कर रहा हूँ, तो मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करने की, सॉरी CRR में ट्रांसफर करने की जरूरत है क्या, कुछ भी अमाउंट नहीं, समझा। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट for the share bought back out of the free reserve and securities premium into face value and to CRR, important point क्या है यहाँ पे, face value, समझा। और यहाँ पे जो भी तुम्हारा CRR can be used for fully paid up bonus shares। चलो इस तरीके से journal entry भी क्या हो गया अपनी, खत्म हो गई। फटाफट कुछ सम देखे, हाँ चलो कुछ मॉड्यूल के ही सम देख लेते हैं अपन लोग। ये तुम्हारा नया सिलेबस है, उसका मॉड्यूल है। सर फिर बोलना मत सर ये कहाँ से पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर इलस्ट्रेशन नंबर 33 के ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 33 के ऊपर। एक्स कंपनी लिमिटेड बाय बैक इट्स ओन 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। बायबैक क्या पे हो रहा है, पार पे। बायबैक क्या पे हो रहा है तुम्हारा, पार पे हो रहा है। The company has sufficient profit otherwise available to dividend general reserve, no fresh issue of for the purpose of the share are fully paid up। तो यहाँ पे fresh issue वगैरह कुछ हो रहा है क्या, नहीं। कंपनी क्या कर रही है, बायबैक कर रही है। कितने शेयर्स का, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, एट पार। तो सबसे पहले क्या पास करनी एंट्री अपने को, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर लिएगा परचेस तुम लोगों ने शेयर, अरे शेयर परचेस कर लिएगा तुम लोगों ने, राइट। कितने, 20 लाख के 2 लाख शेयर्स थे, ₹10 का एक, तो कितने के, 20 लाख के, समझा। सेकेंड केस, यहाँ पे क्या करना है मेरे को, अभी शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे मेरे को, तो मैं क्या एंट्री पास करता, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। ₹20 लाख, बोलो डन है क्या, इजी है पक्का। चलो आगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीमियम अपने को फ्रेश इशू से बोला है क्या, नहीं। जो भी बायबैक हो रहा है फ्रेश इशू से बोला है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कहाँ से हो रहा है अपने को, बोला है फ्री रिजर्व में से। कहाँ से बोला है अपने को, फ्री रिजर्व में से, बराबर है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, जितना भी फ्री रिजर्व अपन ने यूटिलाइज कर लिया उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है मेरे को, CRR में। तो मैं यहाँ पे बोल देता जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे बोल सकते हो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 लाख टू CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अरे समझा क्या? ये भी समझ में आ गया क्या कि CRR अकाउंट कैसे बनता है, CRR अकाउंट में पैसा कहाँ से आता है। नो फ्रेश इशू शेयर मेड फॉर द पर्पस, ठीक है चलो आ जाओ जनरल रिजर्व टू CRR। इन्होंने बस कंबाइन एंट्री पास कर दिया, अपन ने सेपरेट सेपरेट एंट्री पास करी थी। प्रीमियम कहेगा अपने पास व्हेन शेयर्स आर पार्टली पेड अप, तो यहाँ पे बस उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है और बाय बैक किया है इन्होंने, कुछ भी है नहीं दम नहीं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन, वेयर शेयर्स आर बॉट बैक एट प्रीमियम, वेयर शेयर्स आर बॉट बैक एट प्रीमियम। द शेयर कैपिटल ऑफ बेटा कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख शेयर्स है, कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है। कितने पे कंपनी बाय बैक, कितने के शेयर्स है? 1 लाख रुपीस शेयर्स एंड 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इच, ठीक है चलेगा। फुल्ली कॉल्ड अप, इट्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा है अपने को? 40,000, ठीक है। एंड जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है? 7 लाख है। जनरल रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है? 7 लाख रुपीज। द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक 20,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹12 इच। कंपनी कितना बाय बैक कर रही है? कंपनी कितना बाय बैक कर रही है शेयर्स का? 20,000, कितने पे? 12 रुपीज पे। कितने पे? 12 रुपीज पे। समझा? चलो फिर बना ले अपन लोग एंट्रीज। पहली एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट। ओके, कितने इक्विटी शेयर्स थे एंड बायबैक प्राइस क्या है? 12, तो क्या आ रहे हैं अमाउंट? 2,40,000। उनको पैसा दे देंगे तो 2,40,000 डन है क्या? अभी मेरे को शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे बोलता मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख। अरे बराबर ना, फेस वैल्यू ही कैंसिल करेंगे अपन लोग, तो 20,000 इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू थी। फिर यहाँ पे अपन ने बात करी प्रीमियम ऑन बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना? 42 रुपीज 20,000 शेयर्स के ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 40,000 एंड 2 क्या करेंगे अपन लोग? इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट कितना? बराबर है, इजी लग रहा है। अभी यहाँ पे जो भी प्रीमियम है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देता मैं? पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कहाँ से यूटिलाइज कर लेता उसको? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में, याद होगा तुम लोगों को, तो 5 कंडीशन देखी थी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करने की। उस कंडीशन के अंदर अपन ने बात करी थी कि और प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए बायबैक के ऊपर का सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना रुपीज? 40,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट कितना? 40,000। बोलो डन है, इजी लग रहा है? ठीक है। अभी अपने को फ्रेश इशू से कुछ भी इशू किया है क्या? नहीं। अपन ने पूरे के पूरे शेयर कहाँ से इशू किए है? जनरल रिजर्व से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में और कुछ पैसा पड़ा हुआ है कि मेरे? टोटल पैसा 40,000 था, 40 का 40 यूटिलाइज कर लिया, तो पूरा का पूरा बचा हुआ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या मेरे को 2,40,000 CRR में ट्रांसफर करने हैं क्या? नहीं, बस फेस वैल्यू। मतलब कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे मेरे को? 2 लाख। तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री पास कर सकता हूँ क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू CRR अकाउंट 2 लाख। इजी है, पक्का चलो यहाँ पे लाइव वाले इजी जा रहा है कि तुम लोगों को इजी लग रहा है। यहाँ पे बाय बाय एट डिस्काउंट छोड़ दो, डिस्काउंट को अपन जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर फॉर पर्पस। चलो कुछ कंडीशंस वाले भी क्वेश्चन देख ले अपन। तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। आज मैंने यहाँ पे एक सम रखा हुआ है, ये वाला सम इम्पोर्टेंट भी है और इस सम के अंदर ना तुम लोगों का अलग भी है। मॉड्यूल के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन तुम्हारी एमक्यूबी में आया हुआ है शायद करंट ईयर के। इसके अंदर ना इम्पोर्टेंट और अलग क्यों है, इसके अंदर तुम लोगों को बायबैक प्राइस वगैरह कुछ भी दी नहीं गई इन्होंने। यहाँ पे अपने को बायबैक प्राइस वगैरह कुछ भी दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। चलो, The following is the extract of trial balance of Q Limited as on 31st March 2022. Equity share capital कंपनी का कितने का है? 12 लाख। कितने का है? 12 लाख का। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन वगैरह देख रहे हो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट सम है। कंपनी के पास जनरल रिजर्व कितने के पड़े हुए हैं? 18 लाख के। जनरल रिजर्व कितने के पड़े हुए हैं? 18 लाख के। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का पड़ा हुआ है? 6 लाख का। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का पड़ा हुआ है? 6 लाख का। समझ में आ रहा है पक्का? कंपनी के ऊपर लोन कितने का है? 25 लाख का। कंपनी के ऊपर लोन कितने का है? 25 लाख का। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 11 लाख के। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 11 लाख के। ओके, नॉन करंट एसेट कंपनी के पास कितने के हैं? 36 लाख। कैश एंड बैंक बैलेंस एंड अदर करंट एसेट, इसका तो आपने कुछ भी लेना देना है क्या? नहीं, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग a buyback plan recommended to the company on the maximum number of equity shares which can be bought back by offering maximum price after complying with all necessary legal provision as per the Companies Act 2013. Provide needful justification and cancellation support your answer. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपनी मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकती है? कंपनी मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकती है? ओके सर, 3 टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। कितने टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे? 3 टेस्ट। कितने टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे? 3 टेस्ट। लेकिन सेकंड टेस्ट अगर मान के चलो, सॉरी फर्स्ट टेस्ट क्या बात कर रही थी अपने को? रिसोर्स टेस्ट, जिसके अंदर अपन ने क्या बात करी थी? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रेजो, बराबर है क्या? अगर मैं उसका 25% निकालूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाएगी, कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाएगी। उसको मेरे को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मेरे को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन के लिए क्या मेरे को बायबैक प्राइस मालूम होनी चाहिए? क्या मेरे को बायबैक प्राइस मालूम होनी चाहिए? अरे हाँ कि नहीं? बायबैक प्राइस दी हुई है क्वेश्चन में कहीं पे भी? बायबैक प्राइस कहीं पे भी क्वेश्चन में दी हुई है क्या? नहीं। तो सर बायबैक प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो अभी मेरे को एक बात बोलो, अगर अपन लोग फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते थे, फर्स्ट कंडीशन सॉरी सेकंड कंडीशन क्या बात करते थे अपने को? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अंदर अपन ने क्या बात करी? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल है क्या अपने पास? कितना है? 12 लाख। मतलब 12 लाख शेयर कितने बन गए अपने? 1,20,000। देखो 10 रुपीज का एक शेयर है, तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप शेयर्स कितने हैं? 1,20,000। कितने हैं? 1,20,000। उसका 25% कंपनी क्या कर सकती है? मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। नरेशन, अरे यार ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद पवित्रा में तो एक नरेशन बताता। क्या पूछ रहे हो यार, नरेशन बच्चों जैसे? हाँ कोई छोड़, झगड़ा मत करते बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, चलो क्या आगे? राइट, हो गया यहाँ तक? ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अपने को 30,000 के क्या कर सकती है कंपनी? मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। क्या कंपनी सेकेंड कंडीशन या तो थर्ड कंडीशन फॉलो करने के बाद भी 30,000 से ज्यादा कंपनी क्या बायबैक कर सकती है? क्या नहीं? बायबैक कर सकती है क्या? नहीं। तो वहां पे अपन लोग बायबैक प्राइस निकाल सकते हैं, वहां से अपन क्या कर सकते हैं? बायबैक प्राइस निकाल सकते हैं। सर कैसे? देखते हैं अभी अपन लोग। चलो पहले स्टेटमेंट बना लो। Lower of the above, lower of the above। सबसे पहले शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अनुसार 1,20,000 कितने के शेयर्स है अपने पास, 1,20,000 के। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स टू 1,20,000 शेयर्स है ना, इनटू 25% बराबर है क्या। तो कितना अपन मैक्सिमम फर्स्ट कंडीशन के अनुसार कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 30,000। ठीक है, आ जाओ चलो। सेकेंड टेस्ट रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट। मेरे को एक बात बोलो, क्या अपन 30,000 से ज़्यादा के भी इस टेस्ट के अंदर भी 30,000 से ज़्यादा के शेयर परचेस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इस केस में भी अपन मैक्सिमम कितना रख देंगे, 30,000। इस केस में भी अपन मैक्सिमम कितना रख देंगे, 30,000। लेकिन अपन इस केस से क्या डिराइव करेंगे अपन लोग, बायबैक प्राइस। क्या निकालेंगे, बायबैक प्राइस। तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखते हैं, बायबैक प्राइस बाय रिसोर्स टेस्ट। बायबैक प्राइस बाय रिसोर्स टेस्ट। ठीक है, दी क्या हेडिंग, राइट है। चलो आगे, ठीक है। देखो अभी आ जाओ, बायबैक प्राइस कितनी हो रही है अपनी इस टेस्ट के अनुसार। शेयर्स कितने कंपनी बायबैक कर सकती है, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी कितना है, ये भी लिख लेते हैं अपन लोग। मैक्सिमम बायबैक इज इक्वल टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस क्या था तुम्हारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 25% ऑफ, बोलो मेरे को पेड अप शेयर कैपिटल कितना था अपना, 12 लाख। फ्री रिजर्व कितने थे, 18 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम था अपना 6 लाख। कितना था, 6 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम था। टोटल क्या आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, और 25% करने के बाद ना डायरेक्टली 25% करके बोलो कितना आंसर आ रहा है। कंपनी क्या कर सकती है, 9 लाख के शेयर क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, 9 लाख के शेयर्स बायबैक कर सकती है। सर फिर कितने शेयर्स बायबैक कर सकती है, कुछ भी अपने को बायबैक की प्राइस मालूम है क्या, नहीं। बायबैक की प्राइस मालूम है क्या सर, फेस वैल्यू ले सकते क्या, फेस वैल्यू नहीं ले सकते। फेस वैल्यू ले सकते क्या यहाँ पे अपन लोग डिवाइड करने के लिए, नहीं। तो बायबैक की प्राइस क्या मान के चलेंगे अपन लोग, बायबैक की प्राइस निकाल रहे ना, तो इस केस में क्या मान के चलेंगे अपन, कंपनी मैक्सिमम बायबैक फर्स्ट कंडीशन में 30,000 बोला था ना, यहाँ पे भी 30,000 ही कर रही है। तो बायबैक प्राइस मिल जाएगी अपने को कितनी, मिल जाएगी ₹30 पर शेयर। समझा क्या दो कंडीशन, बोलो मेरे को दोनों कंडीशन समझी, राइट। रवि आई एम फ्रॉम एएसी स्टूडेंट, रवि एएसी स्टूडेंट कौन है रवि, हाँ वही रवि बोल रहा है आई एम फ्रॉम एएसी। रवि तूने लाइव स्ट्रीम वगैरह में क्या कभी दिखा तो नहीं मेरे को। चलो क्लियर है, क्लियर है क्या यहाँ तक, पक्का इजी जा रहा है। अभी थर्ड कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। बराबर है, डेट इक्विटी रेशियो कितना होना मांगता, 2:1। आफ्टर बायबैक कितना होना मांगता, 2:1। बराबर है, ठीक है क्या। चलो ध्यान दो, आ जाओ आगे। अभी डेट इक्विटी टेस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर अपन 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बोलता है यहाँ पे, डेट डिवाइड बाय इक्विटी कितना होना मांगता, मैक्सिमम इसका आंसर दो या उससे कम आना मांगता, दो या तो क्या उससे कम आना मांगता। समझ में आ रहा है पक्का? इससे पहले अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। तुम लोगों ने फटाफट फटाफट मेरे को क्या करना है, जवाब देना है। ओके, मेरे को एक बात बोलो, अगर बायबैक से पहले तुम्हारा आंसर दो आ रहा है, बायबैक से पहले आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, दो आ रहा है, तो बायबैक के बाद तुम्हारा जो भी डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा या कम होगा? आफ्टर बायबैक तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा या कम होगा? ये बोलो मेरे को, आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता है या कम होता है? डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता है या कम होता है? आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कम होता है या बढ़ता है? बढ़ेगा या कम होगा? यहाँ पे यूट्यूब वाले, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक बढ़ेगा या कम होगा? हाँ, बढ़ेगा। क्यों रे? इक्विटी शेयर कैपिटल का पोर्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अपन बात करके चलेंगे यहाँ पे, कंपनी के 1000 डेट है, कंपनी के ऊपर कितने का डेट है, 1000 का। अगर कंपनी बायबैक कर रही है 500 शेयर्स का, सॉरी कंपनी अभी आज के दिन पे अगर मान के चलेंगे अपन लोग, कंपनी के पास कितने शेयर्स है, 500 शेयर्स है, कितने हैं, 500 का कैपिटल है उसका। तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो कितना आ रहा है अपना, 2 आ रहा है। अगर मैं बायबैक करता हूँ तो शेयर की ये जो प्राइस है ये कम होगी या बढ़ेगी, क्या होगी, कम होगी, बराबर है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो 1000 डिवाइड बाय 400, अपन ने 100 बायबैक कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 जो भी आ जाएगा। तो इसके वजह से बायबैक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे अपने को इक्विटी शेयर की प्राइस कब देखनी है, आफ्टर बायबैक या बिफोर बायबैक? कब देखनी है, आफ्टर बायबैक। समझ में आ रहा है? तो अपने को देखना पहले पड़ेगा, पहले बिफोर बायबैक 2 से ऊपर जा रहा है या 2 से कम आ रहा है। अगर बिफोर बायबैक तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो 2 से ऊपर जा रहा होगा तो बायबैक पॉसिबल है क्या, बायबैक पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। बायबैक ही पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता, बराबर है। तो देखते हैं इस केस के अंदर अपना बायबैक पॉसिबल होता है कि नहीं। डेट कितना बोला अपने को, डेट देखो, डिबेंचर्स कितने के बोले अपने को, 25 लाख के। डिबेंचर्स कितने के बोले अपने को, 25, और डेट के अंदर क्रेडिटर्स भी आएंगे 11 लाख के। अरे हाँ कि नहीं? तो टोटल डेट कितना बन रहा है अपना, 36 लाख। टोटल डेट कितना बन रहा है अपना, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डेट इज इक्वल टू 36 लाख, डेट इज इक्वल टू 36 लाख, बराबर है। समझा यहाँ तक? चलो, इक्विटी कितनी होनी मांगती फिर, अरे इससे आधी होनी मांगती ना, इक्विटी कितनी होनी मांगती, 18 लाख। इक्विटी कितनी होनी मांगती, 18 लाख। कंपनी की आज इक्विटी कितनी है, आज कंपनी की इक्विटी कितनी है, कितनी है इक्विटी, मतलब यहां पे अपन क्या क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना आ रहा आंसर, कितना आ रहा आंसर, 36 लाख, बराबर है क्या? समझ में आ रहा है? तो कंपनी अभी भी बायबैक कितने का कर सकती है, 18 लाख का बायबैक कर सकती है, बराबर ना। 18 लाख तक कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को नीचे लेके आ सकती है। शेयर्स को क्या कर सकती है, 18 लाख तक कंपनी शेयर्स को नीचे लेके आ सकती है। समझ में आ रहा है, बराबर है। आज कितना है, 36 लाख है, तो कंपनी इक्विटी शेयर्स 36 लाख 18 लाख तक कम कर सकती है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे इक्विटी का मतलब क्या आ रहा है अपना, बस इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है क्या, नहीं, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे कंपनी बायबैक कितने पे कर रही थी, बायबैक प्राइस क्या थी अपने, कितनी थी, ₹30 पर शेयर। तो मेरे को एक बात बोलो, एक मिनट, अमाउंट कैन बी बॉट बैक इज ₹18 लाख। कितना, ₹18 लाख। तो 18 लाख मतलब तुम लोग क्या निकाल सकते हो, क्या शेयर के, और सर हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 कर देंगे तो तुम लोगों को शेयर प्राइस मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो फिर तुम्हारा कितना आ रहा है 1,80,000 का बायबैक करोगे तुम लोग? नहीं, 1,80,000 का नहीं। यहाँ पे इस 18 लाख के अंदर क्या क्या पोर्शन इंक्लूडेड है? तुम्हारा फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है और इक्विटी शेयर कैपिटल है भी है, बराबर है। अगर मैं बायबैक करता हूं 30 रुपीज से, कितने से? 30 रुपीज से। तो मेरे को एक बात बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कम होगा? 10 रुपीज से। 10 रुपीज पर शेयर तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा, राइट। फिर अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से कम होगा? अरे बराबर ना, अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी प्रीमियम ऑन बायबैक कहां पे ट्रांसफर करते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां पे ट्रांसफर करते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन बायबैक कितने से कम होगा? 20 रुपीज से। जर्नल एंट्री देखिए ऊपर, याद आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है। और अगेन 10 रुपीज अपन सीआरआर में ट्रांसफर करते थे जनरल रिजर्व में से, 10 रुपीज सीआरआर में ट्रांसफर करते थे जनरल रिजर्व में से। तो 10 रुपीज क्या मेरे को बोलो सीआरआर में से भी कम हो गए क्या? सॉरी, जनरल रिजर्व से भी कम हो गए क्या? जनरल रिजर्व से भी कम हो गए 10 रुपीज। तो ऐसे टोटल इस 18 लाख का बाइफर्केशन कहाँ पे करना है अपने को? 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज में। मतलब कितना आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे? अगर मैं मान के चलूँ इसको एक्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक करने, इस एक्स, तुम्हारा आंसर कितना आना मांगता? 18 लाख। आंसर कितना आना मांगता? 18 लाख। करो आंसर क्या आ रहा है, चेक करो। 40x डिवाइड बाय 18 लाख, क्या आ रहा है आंसर? 45,000, पक्का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक इज 45,000। कितने आ रहा है इस कंडीशन के अनुसार? 45,000। समझा? अपन ये वाले सम रेगुलर लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में ले लिए, याद होगा तुम लोगों को। तो ठीक है, यहाँ पे अगेन तुम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है? हाँ, तो देखो यहाँ पे 10, 20 और 10 क्यों लिया? ये वाला, ये 18 लाख के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है तुम्हारा? 18 लाख के अंदर ये वाले फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्लस क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट है क्या? यहाँ पे मैं बायबैक करना चाहता हूँ 18 लाख शेयर्स का। मेरे को डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कब देखनी है? आफ्टर बायबैक। बिफोर बायबैक देखनी है क्या? नहीं, आफ्टर बायबैक देखनी है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो आफ्टर बायबैक अगर मैं मान के चलो, आफ्टर बायबैक मैं जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या पास करता हूँ? इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा। शेयर की बायबैक प्राइस निकाल चुके हैं 30 रुपीज। शेयर की बायबैक प्राइस कितने निकाल चुके हैं अपन लोग? 30 रुपीज, बराबर। तो उसमें से अभी देखो इस 30 रुपीज का बाइफर्केशन कैसे होगा? अपन सबसे पहले कहाँ से पैसा कम करेंगे? आफ्टर बायबैक चेक करना है ना अपने को, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा अपन 10 रुपीज कहाँ से कम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से। कैसे सर? यार अपन देखते थे, याद है तुम लोगों को, तो जितने भी नंबर ऑफ बायबैक कर रहे उसमें से अपन क्या करते थे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी बायबैक ऑन शेयर्स आती थी, ये जर्नल एंट्री आती थी। तो शेयर कैपिटल कम हुआ 10 रुपीज से, तो मैंने यहाँ पे 10 रुपीज लिए किससे? शेयर कैपिटल के। किसके लिए? शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या मेरे को? अभी भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। बस अभी तक मेरे को मालूम है मैं 18 लाख रुपीस क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। कहाँ से? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड इक्विटी शेयर से। बायबैक के लिए इनमें से, इन तीनों अकाउंट में से कितने रुपीस निकाल सकता हूँ? 18 लाख। मेरे को देखना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी शेयर कैपिटल से कितना निकाल सकता हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना निकाल सकता हूँ और इक्विटी शेयर कैपिटल से। सेकेंड चीज, अपन जो भी अपना प्रीमियम वगैरह रहता था वो कहाँ पे ट्रांसफर करते थे? या तो तुम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो जनरल फ्री रिजर्व, बराबर। तो अगर मैं मान के चलो यहाँ पे प्रीमियम कितना आ रहा है? 20 रुपीज। अरे हाँ कि नहीं? आफ्टर बायबैक ऑटोमेटिकली 20 रुपीज से भी तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कम हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20 रुपीज से कम हो जाएगा। अभी तक मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? नहीं। अमाउंट कितनी यूटिलाइज होने वाली है ये मालूम है, अमाउंट कितनी यूटिलाइज होने वाली है ये मालूम है, ओके। प्लस अगर अपन देखने के लिए जाएगा थर्ड चीज, तो अपन सीआरआर में भी ट्रांसफर करते थे। क्वेश्चन ने कहीं पे भी बोला है क्या फ्रेश इशू करने वाले अपन लोग? नहीं। तो सीआरआर में भी ट्रांसफर करते थे। कितने अमाउंट ट्रांसफर करते थे? जितनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स थी। तो सीआरआर में भी कहां से ट्रांसफर करते थे अपन लोग? फेस वैल्यू जनरल रिजर्व से ही ट्रांसफर करते थे, फ्री रिजर्व में से ही ट्रांसफर करते थे, याद है तुम लोगों को। तो फ्री रिजर्व भी उसके वजह से कम होगा क्या? अरे हाँ ना, आफ्टर बायबैक फ्री रिजर्व भी तो कम होगा। कितने से कम होगा? 10 रुपीज से। अभी भी मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सबको एक्स लगा दूं, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्स, कितना रुपीज यूटिलाइज कर सकता मैं? 18 लाख। कितना यूटिलाइज कर सकता? 18 लाख। समझा? तो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? 10x + 20x + 10x = 18 लाख। बराबर है? निकालो फिर कितना आ रहा है आंसर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40x, यहाँ पे आ जाएगा 18 लाख। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है आंसर? 45,000। तो इसका मतलब 45,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा? 4,50,000। यहाँ पे अगर तुम लोग 20 रुपीज फ्री रिजर्व में से यूटिलाइज करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे? हाँ, 9 लाख। और यहाँ से भी कम कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4,50,000। अरे बराबर है क्या? आज तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है टोटल? फ्री रिजर्व वगैरह सब पकड़ के 36 लाख। कितना है फिर? इतने अमाउंट तुम लोग कम करोगे आफ्टर बायबैक, ये ऑटोमेटिकली अमाउंट कम होने वाले कैसे सर? ये तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर कैपिटल से कम होगा, ये तो दोनों अमाउंट तुम्हारी फ्री रिजर्व वगैरह से कम हो जाएगी। तो 18 लाख 36 लाख में से कम हो रहा है। अरे हाँ कि नहीं? तो तुम्हारा आफ्टर बायबैक इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का आंसर क्या आ जाएगा? अमाउंट क्या आ जाएगी? 18 लाख आ जाएगी। बोलो राइट है? राइट। और डेट टू इक्विटी रेशियो मैक्सिमम क्या बोला है रखने के लिए अपने को? 2:1। बोलो मेरे को डेट कितना है अपने पास? इक्विटी कितनी आ रही है आफ्टर बायबैक? रेशियो क्या आ रहा है? समझा? इसलिए अपने 45,000 शेयर्स आए। तो यहाँ पे अगर अपन लोग 45,000 शेयर्स लेके जाए थर्ड कंडीशन के अंदर तो मैक्सिमम बायबैक कंपनी कितना कर सकती है? बस 30,000 है, क्योंकि अपने को लीज लेना पड़ता है। अगर लीज लेंगे, अगर 30,000 लेंगे तो तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। ईजी है, पक्का क्लियर है। यहाँ पे भी यूट्यूब वालों को समझा। इसके ऊपर अपने मॉड्यूल में अच्छे खासे सम्स है, वो भी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? चलो, तो अपन क्या करते हैं, आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। इस तरीके से अपना बायबैक भी क्या हो गया? खत्म। बायबैक भी क्या हो गया? खत्म। ठीक है, चलो चलते हैं। अपन लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, कल सुबह 8 बजे। तैयार रहना सब लोग, ठीक है?